हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। ओके, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 30% बाई व्हाट परसेंट मस्ट द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर मे रिमेन द सेम। कहने का मतलब कि शुगर का दाम 30% बढ़ गया चीनी का, लेकिन मेरा जो बजट है महीने का या जो भी बजट है वो हमारा वही होना चाहिए, हम उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो कंजप्शन यानी खर्च हम कितना परसेंट घटा देंगे ताकि हमारा एक्सपेंडिचर खर्च उतना ही। यानी कहने का मतलब कि अगर 100 रुपए में जितना चीनी मिलता था 30% बढ़ जाने के बाद अब तो कम मिलेगा, तो हम कम में ही गुजारा करेंगे, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा का नहीं कर देंगे। पर वो परसेंटेज है, बताओ कितना परसेंट कम करना होगा। ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज 30%, व्हाट परसेंट कंजप्शन डिक्रीज एक्सपेंडिचर इज सेम। लेट मी कंजप्शन 1000 ग्राम मैंने मान लिया, 1 किलो 1000 ग्राम का कंजप्शन है और रेट हमने मान लिया लेट लिया 100 रुपीज पर के, यानी 1000 ग्राम का 100 रुपए। तो न्यू प्राइस क्या होगा? 100 प्लस 100 का 30% जोड़ देंगे, नया प्राइस हो गया 130 रुपया। 1000 ग्राम का प्राइस 130 रुपया है, तो 1 ग्राम का कितना रुपया दाम है? 130 में 1000 से भाग कर देंगे 13/100 रुपया 1 ग्राम वेट का प्राइस है। तो 100 में कितना मिलेगा शुगर इन ग्राम? 100 रुपए का खरीदना है, ये 13/10 से भागा देंगे, 100 कहां चला जाएगा नीचे वाला फ्रैक्शन में, ऊपर गुणा करेंगे 10000/13 ग्राम, अब हमें 100 रुपया में मिलेगा। तो शुगर इन ग्राम, शुगर वेट लॉस कितना पहले से कम मिल रहा है? पहले 1000 ग्राम मिलता था, उसमें से घटा देंगे 10000/13, 13 LCM आएगा, 13000 - 10000 यानी 3000/13 ग्राम वेट कम मिल रहा है शुगर का। तो इसी को बताना है लॉस परसेंट में। लॉस में 100 बाई टोटल नंबर होता है। ठीक है, तो पहले 3000/13/1000 हमारा था गुणे 100। तो ये देखिए, ये ऊपर वाला फ्रैक्शन में है, नीचे वाला नहीं, ये 1000/13 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 3000/13 × 1000 × 100 0 0 काट देंगे, 300/13 मिक्स में करेंगे 23 मिक्स 1/13%। अगर हम कंजप्शन कम कर देंगे तो हमारा खर्च वही का वही रहेगा, यही राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट टू के तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। कहता है ए एक्सीड बी बाय 40% और बी इज लेस देन सी बाय 20%, देन फाइंड ए रेशियो। ए बी सी डी को हमने बी को ही मान लिया, लेट बी बी इज 100, तो ए इससे 40% ज्यादा है, तो 100 + 100 का 40% यहां पे आ गया 140, और बी जो है सी से 20% कम है, तो हमने सी को मान लिया एक्स, यानी एक्स माइनस एक्स का 20% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इतना बी है यानी 100 घटाएंगे एक्स माइनस एक्स बटा 5 बराबर 100 घटाएंगे 4x/5 = 100 आ जाएगा, 4x = क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x करेंगे 4 भागा में आएगा, 125 बार में कटेगा, 5 से गुणा करेंगे 125, यानी c हमारा कितना आया 125। तो कहता है a रेशियो c, तो a 140 है और c 125, काटेंगे इसको 5 से 28 बार में, 5 से 25 बार में, अब नहीं घटेगा, यानी राइट आंसर 28:25। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 को देखेंगे। कहता है इफ 80% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी एंड बी बराबर एक्स परसेंट ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमने ए को 100 माना, तो ए का 80% कितना होगा? 100 का 80% 80 होगा, और ये बी का 50% के बराबर है, यानी लेट ये बी इज एक्स, तो 150% बराबर ये 80, तो 50 में 1/100 = 80 काटेंगे तो x का वैल्यू आएगा 107।
ए 100 है और बी 107। तो बी कितना परसेंट है ए का? तो नंबर कितने 100 बटा टोटल नंबर, बी का नंबर 160 है, कितने 100 कंपेयर ए से कर रहा है, तो ए टोटल नंबर में आएगा 100, काटेंगे 100 100 बच गए 160, यानी राइट आंसर 160%। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इफ ए इनकम इज 30% मोर देन बी इनकम, देन हाउ मच बी इनकम लेस देन ए। कहता ए का इनकम बी से 30% ज्यादा है, तो बी का इनकम ए से कितना परसेंट कम है? अब आप कहेंगे कि सर जितना ज्यादा है उतना ही ना कम होगा। आप कह रहे हैं कि ए का 30% ज्यादा है 20, तो बी कितना कम है? तो 30 वो ज्यादा है तो ये 30 कम है। सिंपल सा आंसर, रॉन्ग आंसर। परसेंटेज में ऐसे नहीं होता है, ठीक है, परसेंटेज में ऐसे नहीं होता है, ध्यान में। कैसे? लेट मी बी इनकम इज 100 रुपीज, तो ए का इनकम 30% ज्यादा है, 100 में जोड़ दिया 130, तो बी कितना कम है? 130 में 100 से घटा दिया, 30 कम है, तो परसेंटेज कम। नंबर में 100 बटा टोटल नंबर, 30 कम था, 30 गुने 100, लेकिन नीचे 100 नहीं आएगा, ए का अमाउंट आएगा, क्योंकि कंपेयर इससे काटेंगे 300 बटा 13 बराबर 23.1 बटा 13% कम है। ए 30% ज्यादा है तो बी ए से 23.1 बटा 13% कम है, राइट। नेक्स्ट फाइव को देखेंगे। कहता है इफ ए इनकम इज 25% more than B income and B income is 20% more than C, by what percent is A income more than C? हमने माना कि B का इनकम 100 रुपया, तो A का इनकम 100 प्लस 100 का 25% 125, तो C let be X, okay, let be X, तो X प्लस X का 20% बराबर कितना आएगा? B आएगा, okay, क्योंकि हम कहता है B इनकम इज 20% मोर देन सी, तो सी का x है, x को 20% जोड़ेंगे तो b का इनकम आ जाएगा, x plus x by 5 बार by c, तो x का वैल्यू निकालेंगे 6x, 5 बराबर 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे 500 बटा 6 को तो 250 बटा 3 है, यानी c 250 बटा 3 है, तो a c से कितना ज्यादा है? अभी की बात है, a c से कितना ज्यादा है? a 125 है और c 250 बटा 3 है, घटा देंगे, घटेगा तो 125 बटा 3 ज्यादा है, तो परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज बराबर नंबर कितने 100 बटा टोटल नंबर, 125 बटा 3 ज्यादा है कितने 100, और कंपेयर किससे कर रहा है? सी से, तो सी का टोटल नंबर नीचे आएगा 250 बटा 3, ये दोनों फ्रैक्शन में है ऊपर नीचे, तो 125 बटा 3 और 3 ऊपर चला जाएगा 250 नीचे, तो काटेंगे तो आएगा 50%, ओके okay?